आलम शरीफ भी हैं आपके पास माशाल्लाह। आलम शरीफ माशाल्लाह अभी सब ईरान से आए हुए हैं। अच्छा, ईरान के आए हुए हो, सुबह एक पंजे हैं अलग अलग जी साइज के, सबसे छोटा साइज 2 इंची का कहलाता है। ओह, 2 इंची का भी पंजा है क्या, माशाल्लाह। तो इनके क्या प्राइस होंगे समथिंग? फरीदी स्टोन वो दुकान है जहाँ पे आपको हर एक चीज मिलती है। अच्छा, ये हथकड़ी इसकी जी करबला शेख में किस तरीके से जुल्म का खत्म हुआ था जी, इनकी मन्नत होती है, वैसे भी जो है पहन सकते हैं है जी। जी का मतलब ये होता है जैसे आंसू की बूंद होती है जी, उसी के निशान होते हैं। अच्छा, ये देखिए कितनी खूबसूरत जुल्फिकार इनके पास जी। और क्या क्या है, अभी मैं भी ट्राई करके बताऊंगा क्योंकि मुझे ये लेना है, और भी चीज़ें हैं, मैं देखूंगा मेरे लिए क्या लेना है। मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला पसंद आया, तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ ये हमारे लिए डन कर दो आप। मश्के सकीना है। ओहो, सुभान अल्लाह। ये आप आलम शरीफ में आपके गले के अंदर टांग सकते हैं। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत लगता होगा। बहुत सारे आए हुए हैं, आप अजमेर शरीफ में आए, और ये जगह कौन सा नाम बताया जगह का? ये देखिए मौलाई क्या बोलते हैं, कस्टमर भी आ गए हैं माशाल्लाह। कहाँ से आप? इमाम जामिन। और ये सब चीज़ ले रहे हैं माशाल्लाह। 75 किलोमीटर दूर से भाई लोग आए हैं, 75 किलोमीटर दूर से। क्या क्या लेने आए हो? इमाम जामिन वगैरह, आलम वगैरह लेने आए। अच्छा माशाल्लाह, आपके वहाँ नहीं मिलता है? क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारा भाई मिस्टर खान कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। मैं भी बहुत बड़ा मौलाई हूँ, और जैसे कि आपको पता है हमारे फरीदी भाई हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह कि कोई ना कोई छोटा बड़ा गिफ्ट हमारे लिए देते ही हैं। तो आज हमारे लिए क्या गिफ्ट देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि जैसे कि आपको पता मुहर्रम स्टार्ट हो चुके हैं माशाल्लाह, तो इस समय में सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो आलम शरीफ की होती है। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आलम शरीफ कहाँ पे मिलेंगे, और जो गमछा होता है खास करके गमछा, या फिर ये देख सकते हो हमारा दोस्त छोटू है जो गमछा पहन रखा है, और ये इमाम की पट्टी पहन रखी इसने। तो ये कहाँ से लेकर के आया और कौन सी दुकान से लेकर आया, तो वो जानकारी करते और आपको बताते हैं। ये देखिए हमारा दोस्त छोटू मिला है हमें, अभी हम इनका छोटा ताजा से दिखाने लेके जा रहे हैं आप लोगों को। कैसे हो, खैरियत? सलाम वालेकुम। सलाम, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह देखे जा बेटा। अच्छा, ये बात बताइए मुझे कि जैसे अजमेर शरीफ में हर कौम का ताजा निकलता है, तो जैसे कि मैंने देखा है कि इंदौर के अंदर और जबलपुर में किन्नर समाज की तरफ से भी ताजे निकलता है, क्या निकलता है यहाँ पर भी निकलता है? कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? कुमार भाव से निकलता है, लोंगिया में से। लोंगिया में से निकलता है? कितने तारीख? 10 तारीख को निकलता है। ठीक है, शुक्रिया। तो गाइस फाइनली आप लोगों को मैं बता दूं कि दरगाह के 4 नंबर गेट से सीधा जो गली जाती है पन्नीग्राम चौक के लिए, हम लोग उसी रास्ते से आए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं फरीदी स्टोन की तरफ, जो कि मैंने पहले रास्ता आप लोगों को पूरा बता रखा है और आज पूरा वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे भाई सब्सक्राइबर हैं जो कल शरीफ से आए हमारे वीडियो को देखते हैं। कौन कौन सी वीडियो देख रखी है आपने वैसे हमारी? सारी। अच्छा, देखिए दिखाइए फरीदी स्टोर की वीडियो देखिए माशाल्लाह। शुक्रिया आप लोगों का माशाल्लाह। कल शरीफ से हमारी वीडियो देखते हैं, शेर अली भाईजान है हमारे और राणा जी हैं, क्या बोलते हैं माशाल्लाह हमारी वीडियो को देखते हैं जो कि कल शरीफ से। बहुत 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 शुक्रिया। तो देख सकते हो माशाल्लाह मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है, आज चांद रात हो चुकी है, और इस चांद रात के मौके पे मैं आज पंजतन गेस्ट हाउस के जस्ट बाजू में फरीदी स्टोन फिर से आया हूँ लेकर के आप लोगों को।
क्योंकि फरीदी स्टोन वो दुकान है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलती है, मतलब मुहर्रम से रिलेटेड तो आपको मिलती है, 12 रबिया हुआ आता है तो 12 रबिया के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए आपको सब मिलता है। और आम दिन में अगर आप बात करें तो आम दिन में आप लोगों को यहाँ पे स्टोन मिलते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे स्टोन है, और मैंने स्टोन का वीडियो बना रखा है पहले भी, तो वो मैं आप लोगों अगर नहीं देखा होगा तो वो अगली वीडियो में आप लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा। नहीं रख रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ आलम शरीफ लेने, और मैं लूँगा भी और आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा भी, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि भाई मुहर्रम आ गया और आलम शरीफ कहाँ पे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, आप लोग हमें बताओ, मिस्टर खान भाई बताओ। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, तो हमें मिले, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका आपकी दुआ है, सब खैरियत है माशाल्लाह। तो ये बात बताइए भाई जान कि अभी इस बार मुहर्रम में क्या क्या कुछ इस बार क्या नया आया है जी बताइए। जी अस्के अजा जी का जी उसी के निशान होते हैं। अच्छा, तो आंसू की बूंद के गम की चीज़ है जी, गम का महीना है, इसके इसलिए इसको अश्के अज़ा के नाम से पहचाना जाता है माशाल्लाह। तो काफ़ी सारे हो कितने खूबसूरत हैं, देखो ये आलम शरीफ के जब आगे लगेंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा वो आप देखते ही बनता है। आए माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका क्या हदिया क्या रखा है इनका? इनका हदिया ही 550 रुपये का, और बाकी कोई आएगा तो कम ज़्यादा करा सकता है अपने हिसाब से। तो हदिया है तो इसमें मोल वाइन नहीं करा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रेट हो तो फिर अलग बात है। अच्छा, एक पंजे हैं अलग अलग जी साइज के, सबसे छोटा साइज 2 इंची का कहलाता है। ओ, 2 इंची का भी पंच जाएगा माशाल्लाह। 8 इंची है तो इनके क्या प्राइस होंगे समथिंग? ये अलग अलग है, सबसे कम रेट में जो है मेरे पास 90 रुपए का। अच्छा, 90 से स्टार्ट है, 90 से स्टार्ट है और खत्म 2100 रुपए तक का है। 2100 रुपए तक का है जो मिलेंगे। अच्छा ठीक है माशाल्लाह। ये तो हो गए पंजे। हाँ पंजे, देखिए सर क्या बोलते, कस्टमर भी आने लग गए क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, इसको देखते ही लोग आने लगते हैं। देखिए जी ये क्या है? ये पटके हैं जी, ये भी आलम शरीफ के आगे लटकाए जाते हैं। अच्छा, और इमाम बारगाह में आते जहाँ पे आपने उजरा बना रखा है जी, वहाँ पे रखे जाते हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, तो मतलब ये कि आलम शरीफ के आगे सजावट की चीज़ है। ये सबसे छोटा वाला जो है कितने का है? अच्छा ठीक है। एक चीज़ और भी है कि ज़्यादातर मैं ना इनमें हदिया जो है ना आपको रेट जो है ना ज़्यादातर नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको अगर रेट जाननी है तो वो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फ़ोन पर बात करके आप मंगवा भी सकते हो ऑनलाइन, और स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप फ़ोन करके मंगवा सकते हो अपने घर पे अपनी जगह पे, और नहीं तो आप दुकान पे आकर के रेट पता कर सकते हो, रेट बताना मुनासिब नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये क्या चीज़ है ऊपर? ये भी मशकीदा है। हाँ, ये हजरत सकीना और हजरत अब्बास की याद दिलाती जी, हजरत अब्बास की निशानी। मतलब ज़्यादातर आपके पास जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी याद को ताज़ा कर देती हैं, जैसे कि ये तलवार मौला अली की याद दिलाती है, जुल्फिकार माशाल्लाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत जुल्फिकार इनके पास जी। और क्या क्या है इसके अलावा? इमाम जामिन आए हैं। अच्छा इमाम जामिन, हाँ जो हाथों में लोग ज़्यादा पहनते हैं। ओहो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ग्रीन कलर जी जी, जो रेड कलर पसंद करते हैं वो रेड कलर के भी हैं। अच्छा ज़्यादातर वैसे कॉमन नहीं पहन सकते वो, शादी के अंदर क्या है दूल्हा दुल्हन जो है। अच्छा शादी में भी पहन सकते हैं? शादी के अंदर खास तौर पर जो है जी दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशली तैयार किया गया है, तैयार करेगा। हाय हाय माशाल्लाह, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे, ये वाले देख सकते हो बहुत खूबसूरत है। इनके रेट तो आप बताओगे नहीं, हदिया नहीं बताओगे? रेट में क्या होता है कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं। अच्छा तो वो फिर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। अच्छा और ये भी नए तरीके के भी आए हैं? ये भी बड़ा खूबसूरत। हाय हाय माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा डिमांड में है अभी माशाल्लाह। अभी मैं भी ट्राई करके बताऊंगा क्योंकि मुझे ये लेना है, और भी चीज़ें हैं, मैं देखूंगा मेरे लिए क्या लेना है। मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला पसंद आया तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ ये हमारे लिए डन कर दो आप। ये मैं ले लेता हूँ, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी ये बताएंगे नहीं अदिया, ये मेरे लिए साइड कर दिया मैंने, मस्त लग रहा मुझे जी। और ये अभी हाँ अच्छा, हाँ हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये इनका भी वही रेट अभी बता नहीं सकते आप? ठीक है। और क्या क्या लाए हैं आप? रेट के लिए जो आप इससे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फ़ोन पे जो आपको बता दूँगा क्या क्या रेट चल रही है।
और ये भी वही है, आलम शरीफ के आगे लगते हैं, पट्टी खिलाते हैं आलम शरीफ के आगे, वो इमाम बारगाह के अंदर लगाए जाते हैं या फिर जहाँ पे बजरा बना रखा है। ये सब आपका जो माल आता है ये कहाँ से आता है? ये ज़्यादातर जो इस बार जो मेरे पास माल आया सब बाहर से आया। अच्छा, करा जाता है जो मैं साल भर कलेक्ट करता हूँ, हाँ। बेहतर बेहतर चीज़ें होती हैं फिर 10 दिन के अंदर मेरी दुकान सस्ती है। हाँ अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। लेके जाने वाले हैं सब यहाँ से आते हैं। सुभान अल्लाह, मैं ये देख रहा हूँ ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये क्या चीज़ है, क्या कहते हैं इसको? ये जहाँ पे हुजरा होता है जी, जहाँ पे इमाम खान का होता है, इमाम बारगाह में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये अपने घरों पे या फिर इमाम बारगाह पे कहीं पे भी ये लगा सकते हैं। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या रखा है? इसको पर्दा कहा जाता है। पर्दा, और ये वाले इसको रोल पट्टी कहा जाता है। रोल पट्टी और पर्दा, ये सब लोग अपने अपने घरों पर सजाते हैं और या तो फिर इमाम बारगाह पे सजाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, अलग अलग डिजाइन थी, एक जो रोल पट्टी जो मैंने लगा रखी है, हाँ, बाकी अलग अलग डिजाइन है, रोल पट्टी आई है। आशी, अच्छा, और बहुत सारे डिजाइन के। अच्छा, ये सब लिखे हुए हैं। अच्छा, आलम शरीफ भी हैं आपके पास माशाल्लाह? आलम शरीफ माशाल्लाह अभी सब ईरान से आए हुए। अच्छा, ईरान के आए हुए, ओहो सुभान अल्लाह, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसमें कौन कौन से कलर, 3-4 कलर होंगे आराम से? तीन चार कलर मिल जाएंगे, इसके अलावा ये है। आय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा यही चीज़ें लोगों को पसंद आती है आलम शरीफ में लगाने के लिए, लेके जाने के लिए। अच्छा, छोटे वाले साइज़, छोटा साइज बताया था ये बड़ा। अच्छा, बड़े साइज के अंदर भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। वो ग्रीन वाला दिखाइए। बहुत सारे आए हुए हैं, आप अजमेर शरीफ में आए, और ये जगह कौन सा नाम बताया जगह का? ये पन्नीग्राम चौक के अंदर फरीकी स्टॉल। पन्नीग्राम चौक, अजमेर शरीफ दरगाह के 5 कदम की दूरी पे पन्नीग्राम चौक और फरीदी स्टोन पे आप आ सकते हैं, ये सब मिल सकता है आपको। अच्छा, ये बताइए ये क्या चीज़ है? ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे, ये क्या? मोमबत्ती लगाई जाती है 5। अच्छा, पंडितन पाक की मोमबत्ती लगाई जाती है। तो इसको घर पे या दरगाह शरीफ पे या फिर कहीं पे भी लगा सकते हो? दस्तरखान जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे आप ये रख सकते हैं। हाय हाय माशाल्लाह, इर्तुगल गाजी वाला सीन है क्या? इर्तुगल गाजी में जैसे दस्तरखान पे लगा के, इर्तुगल गाजी तो है, बाकी दस्तरखान का इस्तेमाल करा जाता है मुहर्रम के अंदर। अच्छा, वहाँ पे जो है आप लगा सकते हैं। ये देखिए मौलाई क्या बोलते हैं, कस्टमर भी आ गए हैं माशाल्लाह। कहाँ से आप लोग? विदिशा से। कहाँ से? एमपी से हो माशाल्लाह। एमपी के लोग खास करके मुहर्रम में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल। तो क्या क्या चीज़ की आपको नीड होती है? हमारे को यहाँ पे ये भाई जो झंडे बताए आलम शरीफ, हाँ ये, हाँ आलम, आपके आलम के परचम। अच्छा, हाँ, और भी जो अच्छा से अच्छा मिल जाए तो ये आपकी कोशिश करते हैं माशाल्लाह। ये देखिए अभी आए हैं आलम शरीफ को लेने के लिए आए हैं और कड़ा भी लेने आए हैं माशाल्लाह। और एमपी में बड़े धूमधाम से मुहर्रम मनाया जाता है। और मैं आपसे और चीज़ जानना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है? ये इसके अलावा ये लॉकेट है, हाँ, जैसे ये मश्क सकीना है। ओह सुभान अल्लाह, ये आप आलम शरीफ में आते गले के अंदर टांग सकते हैं माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत लगता होगा। ये है बाकी इमाम अली के नाम के लॉकेट, लॉकेट है, हाँ, शिकार के लॉकेट मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, पाक के लॉकेट मिल जाएंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी के लॉकेट हैं, हथकड़ी की डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। तो एक स्पेशल चीज़ आई है मेरे पास, हाँ, वो है हथकड़ी। अच्छा, ये हथकड़ी, इसकी जी करबला शहर में किस तरीके से जुल्म का सितम हुआ था जी, तो ये याद दिलाती है जो जिनकी मन्नत होती है फिर वैसे भी जो है पहन सकते हैं हथकड़ी जी। तो मन्नत के हिसाब से ज्यादातर लोग पहनते हैं इसको, हथकड़ी के हिसाब से पहन सकते हैं, वैसे ही पहन सकते हैं जी। याद दिलाती है कि वहाँ पे कितना जुल्म सितम हुआ था, वो हथकड़ी पहन के महसूस होता है कि हाँ आज हम भी जो हथकड़ी पहन के देखते हैं कि उसके साथ कैसा जुल्म सितम होता है। हथकड़ी जो है स्पेशल आई है मेरे पास माशाल्लाह। और क्या क्या है? इमाम गामिल वगैरह हैं, पटके वगैरह हैं, बेल्ट हैं, ब्रोचेस वगैरह हैं। और आपके पास मेरे हिसाब से अभी तो अभी चांद रात ही हुई है और आने वाले टाइम में और भी चीज़ें आपके पास आएंगी। अच्छा ठीक है गाइस, तो फाइनली मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दी है। और ये देखिए सुभान अल्लाह, ये क्या है? ये ब्रोच। अच्छा, ये यहाँ पे ये लगाने का माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह। देखिए तो आपको इस बार
जैसे कि आपको 12 रबी अव्वल में ब्रोज मिलते हैं, उस समय अब मुहर्रम में भी मिल रहे हैं। पार्सल वगैरह भी कर भेजते हैं क्या यहाँ से आप? जी हाँ, यहाँ से जो है जो ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन जी, उनके लिए यहाँ से मैं पार्सल भेजा देता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, नाम पते पे पार्सल भी भेज देते हैं, ठीक है माशाल्लाह। तो ये देखिए मौलाई जो आए हुए हैं सारे इमाम जामिन, और ये सब चीज़ ले रहे हैं माशाल्लाह। और इसी तरीके से यहाँ पे मुहर्रम में माहौल बन जाता है। अभी जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें अभी मैं ट्राई करूँगा अपने ऊपर भी, और ट्राई करके आपको बताऊँ। हमारे आ रहे हैं माशाल्लाह, जैसे कि भाई हमारे आए हुए एमपी से, और माशाल्लाह इनको इतना पसंद आया यहाँ पर दुकान। कैसा लगा इनका व्यवहार, कैसा लगा? माशाल्लाह देखो भाई जम गए, मौला ही लग रहे पूरा माशाल्लाह। तो देख सकते हो इमाम जामी ले लिया भाई ने, और गमछा ले लिया है। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका। और क्या क्या आया हुआ बताइए? ओहो सुबह अल्लाह जी जी जी, कंधे पे माशाल्लाह माशाल्लाह एक नंबर। और क्या क्या है? अच्छा ये शॉल भी है, यही कर्बला शॉल जी। सबसे ज्यादा आपकी दुकान में किस चीज की डिमांड रहती है? सारी चीजें, सब चीजों की डिमांड रहती है, और खास करके कर्बला शॉल की तो कुछ ज्यादा ही है माशाल्लाह। उसमें भी पहने जाते हैं माशाल्लाह। क्या हाँ, ये अजरक खिलाती है। क्या कहते हैं इसको? अजरक। अजरक ये कहाँ का? सिंध का है ये, सिंध का खिलाता है। ओहो माशाल्लाह, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैंने सब चीज़ दिखा दिया है, अब मैं अपने ऊपर खुद ट्राई करके आपको बताता हूँ। एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ गाइस, कि मेरे को जो जो चीज़ पसंद आई है ना, मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ें ना मैं खुद पहन के अपने ऊपर ट्राई करूँगा। अभी मेरा लुक देख लो, अब मैं पहनने के बाद मेरा लुक देख लो। तो अभी पहले ट्राई करता हूँ मैं क्या क्या पहन सकता हूँ। पहले मैं पहनूंगा ये वाला ब्लैक वाला, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारा भाई मिस्टर खान कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। कोई इमाम जामिन देना, ये लोग पहनाइए। तो जो जो चीज़ें मुझे पसंद आई है माशाल्लाह, वो चीज़ें मैं आपको पहन के अपने ऊपर दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा मौला हूँ। मुझे मुहर्रम जब आ जाते हैं ना, तो मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कैसा लगता है। देखिए कैसा लग रहा हूँ मैं, और ये जो उन्होंने बताया मस्त है, लोग गले में टांग के पहनते हैं, मैं ये पहन के देखता हूँ। लोग कुछ इस तरीके से होते हैं कि कुछ ज़्यादा ही पहन लेते हैं लोग, कुछ कम लोग पहनते हैं। सबके ऊपर अपनी अपनी दिक्कत है, अपनी अपनी चीज़ें। बाकी मैं कैसा लग रहा हूँ आप कमेंट करके बताओ, एक फोन और चेंज करके आप चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ शुक्रिया भाई, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि मैं कैसा लग रहा हूँ। कमेंट करके बताना मैं कैसा लग रहा हूँ इंशाल्लाह, और कैसा लगा तुम्हारा भाई। और इंशाल्लाह मैं इनके पास आता रहता हूँ, घूमते जाता रहता हूँ, और अगली बार भी आऊँगा, अगली बार भी आऊँगा। और मुहर्रम का आगाज़ होते ही यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग, इमाम जामिन हो या मुहर्रम के जो भी सामान है वो लेने आते हैं। आप लोग कहाँ से आए भाई? सरवार शरीफ से आओ, क्या बात है माशाल्लाह। यहाँ से 72 किलोमीटर दूर से भाई लोग आए, 75 किलोमीटर दूर से। क्या क्या लेने आए हो? इमाम जामिन वगैरह, आलम वगैरह लेने आए। अच्छा माशाल्लाह, आपके वहाँ नहीं मिलता है? नहीं वहाँ नहीं मिलता है। अच्छा वहाँ नहीं मिलता है, तो अजमेर के आसपास के जो भी छोटे शहर हैं या गांव हैं, सारे लोग माशाल्लाह सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे फरीदी स्टोन के पास में, हमारे भाई के पास आते हैं। तो माशाल्लाह अभी यहाँ पे ये देखिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कैसा लगा आलम शरीफ भाई इस बार? आप कहाँ से हो? आप भी सरवार शरीफ? माशाल्लाह देखिए मुहर्रम के मौके पर बड़ी दूर दूर से आलम शरीफ को लेने, और यहाँ पे इमाम जामिन हो या अस के आप देख सकते हो लेने, यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और आज मैंने भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें खरीदी है, ख़ास करके मैंने ये गमछा लिया है जो आप लोगों को दिखाया मैंने पहन के, और मैंने इमाम जामिन लिए, और आलम शरीफ भी मैंने लिया है माशाल्लाह। तो गाइस जैसे कि आपको पता है मैं हर साल फरीदी स्टोन की वीडियो बनाता हूँ माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर आलम शरीफ मिलते हैं, और मैं यहाँ से आलम शरीफ खरीद चुका हूँ। और ये हर साल मुझे माशाल्लाह कोई ना कोई गिफ्ट करते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं माशाल्लाह। तो आज क्या गिफ्ट लाएंगे देखते हैं। खान साहब बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैं खान साहब को गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये पटका है, ये हमारे दुआ हुआ है मुदस्सिर भाई, मैं उनके हाथ से जो है खान साहब को ये गिफ्ट दिलवाना चाहता हूँ जी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह अजमेर शरीफ के खादी मजरात हो, ये अजमेर शरीफ के लोग हो माशाल्लाह, इसी तरीके से दुआ करते हैं, और क्या बोलते हैं, इसी तरीके से हमारे लिए सपोर्ट करते हैं। कुल मिला के ये माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।